हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंडबॉक्स टोकन के बारे में। जो सैंड टोकन, इसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, और क्या हमको भी इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो सैंड टोकन आज में वो काफ़ी अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिली, वो देखने को मिले 6.61% की। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही, सर प्लीज़ बताइए कि इसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, और क्या हमको भी इसमें एंट्री लेनी चाहिए लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसका जो फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है 117 रुपये। अगर हम बात करते हैं इसके 1 वीक की हाइएस्ट पाएगी तो वो है 123 रुपये। अगर बात करें इसके 1 वीक की लोएस्ट पाएगी तो वो है 100 रुपीज़। तो इसमें जो 1 वीक में हमको जो पंपिंग देखने को मुझे देखने को मुझे 6.61% की। अगर हम बात करते हैं जिसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट रहने वाला हो रहने वाला, इसके लिए सबसे पहले हम इसके 1 ईयर के प्राइस चार्ट पे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जिसने अपना जो ओल्ड टाइम हाई जो लगाया वो लगाया है 669 रुपये का। अगर बात करें इसने अपना 1 ईयर का जो ओल्ड टाइम लो जो लगाया वो लगाया है 11 रुपीज़ का। तो इसने अपने ओल्ड टाइम लो के लगभग आज सेम प्राइस पे ये भी चल रहा, तो काफ़ी अच्छा खासा मौका है इसको बाय करने का। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट रहने वाला इसके 125 रुपये के आसपास जो हमको देखने को मिल सकता है मई के एंडिंग तक। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसमें अच्छी खासी पंपिंग हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट रहने वाला इसके 125 रुपये के आसपास जो हमको देखने को मिल सकता है मई के एंडिंग तक। अगर हम बात करें जो फिलहाल इसकी जो मार्केट रैंक है वो चल रही है 39। अगर बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की तो वो है 12,771 करोड़। अगर बात करें इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की तो 46% लोग इसको बाय कर रहे हैं और 54% लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग अभी इसको बाय करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पंपिंग इसमें हमको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो 1 ईयर में जो हमको पंपिंग देखने को मिली वो देखने को मिली है 276% के आसपास। अगर बात करें इसमें जो 1 मंथ में हमको जो पंपिंग देखने को मिली वो देखने को मिली है, इसमें जो 1 मंथ में हमको पंपिंग नहीं वो डीप देखने को मिला, वो देखने को मिला 43% के आसपास। तो जो नेक्स्ट पंपिंग हमको जल्दी देखने को मिल सकती है, जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट रहने वाला 125 रुपये के आसपास जो हमको देखने को मिल सकता है मई के एंडिंग तक। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्रिप्टो वाला सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।